नमस्कार, हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं अखंड भारत। में हूं आपके साथ मकसूद खान और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। खबरों के मेगा बुलेटिन अखंड भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। अखंड भारत में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर वो खबर शामिल है जिसका वास्ता आपसे है, भारत की अखंडता से। इस बुलेटिन में उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक हलचल से लेकर दिल्ली NCR, महाराष्ट्र में हर दिन बदलते दांव पेश पर बात होगी। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत हिंदी बेल्ट की चौंकाने वाली खबरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात अखंड भारत में आज की 6 बड़ी खबरों की कर लेते हैं और ये वो खबरें हैं जिन पर है पूरे देश की नजर। सबसे पहले पहली खबर, ज्ञानवापी के सर्वे के ठीक पहले सीएम योगी का वाराणसी दौरा, वीडियोग्राफी के दौरान काशी में रहेंगे मौजूद। चौके कट्टरपंथी, क्या सबको सुधार देंगे योगी? धरने पर बैठे ओम प्रकाश राजभर का दावा, मुझे दूसरा आजम खान बनाना चाहती है बीजेपी। मारपीट में फंसे तो क्या ड्रामा कर गर्दन बचाएंगे राजभर। और तीसरी खबर, दिल्ली में ऑपरेशन बुलडोजर पर सियासत गर्म है, डिप्टी सीएम सिसोदिया का है आरोप, 63 लाख मकानों को गिराना चाहती है बीजेपी। छोटे ओवैसी के औरंगाबाद दौरे से महाराष्ट्र की सियासत गर्माई, बीजेपी की चुनौती, दम है तो अकबरुद्दीन पर राजद्रोह लगाकर दिखाए उद्धव सरकार। और पांचवी खबर, हरियाणा में 9वीं क्लास के इतिहास के सिलेबस पर सियासत गर्म हो चुकी है, वीर सावरकर का तारीफ और भारत विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताने पर हंगामा मचा। अखंड भारत की एक और बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश में हेयर डाई कराने में जले बीवी के बाल, तो ऑफिसर ने काटा बवाल, थाने में केस कर सलून मालिक पर कार्रवाई की मांग। और अखंड भारत की शुरुआत करेंगे दरअसल यूपी की सबसे बड़ी खबर से, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कल सुबह 8 बजे से शुरू होना है। उसके ठीक एक दिन पहले ही वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डेरा डाल चुके हैं। इस सबके बीच इसीलिए दरअसल अंदर खाने चर्चा यही कि योगी आ गए तो अब सब कुछ सुधार देंगे। आज पुलिस की कड़ी सुरक्षा में ज्ञानवापी में जुमे की नमाज हुई, लेकिन यहां जुटे नमाजियों में अगली सुबह होने वाले वीडियोग्राफी सर्वे से ज्यादा सीएम योगी के वाराणसी पहुंचने की चर्चा थी। योगी जंगमवाड़ी मठ के पंचाधिक शताब्दी समारोह में वाराणसी पहुंचे, साधु संतों से मिले, पूजा अर्चना की और अपना सीधा संदेश सुना दिया। अलग अलग पंथ और संप्रदाय भारत के अंदर है, लेकिन ये पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है। वाराणसी में योगी की मौजूदगी से वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान बवाल की गुंजाइश खत्म मानी जा रही है। योगी इस दौरान प्रशासनिक अमले की बैठक भी लेंगे, यानी सर्वे को लेकर ढिलाई की गुंजाइश भी नहीं बची है। और ज्ञानवापी के सर्वे के फैसले पर एक दिन पहले हैदराबादी भाई ओवैसी भड़काऊ बयान दे चुके हैं। अब बरेली के आला हजरत दरगाह के मौलाना ने दबी जुबान में धमकी दे डाली है। ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी किसी भी तरह रुक जाए, इसकी तमाम कोशिशें जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पर तत्काल सुनवाई की अर्जी लगाई गई है, तो पलटकर जवाब मिला कि बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी करना कैसे संभव है। इधर ओवैसी जैसे नेता कट्टरपंथियों को उकसाने के दाव में जुटे हैं, तो बरेली के आला हजरत दरगाह के मौलाना शहाबुद्दीन ने एक कदम आगे बढ़कर बाबरी वाला टर्न ले लिया है। बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई, तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन ऐसे उकसाऊ बयानबाजियां अब काम आने वाली नहीं है। सख्ती बरतने का कोर्ट का आदेश तो है ही, जनता भी उकसावे के खेले का मकसद समझती है। इधर अदालती फैसले के मुताबिक ज्ञानवापी के वीडियो सर्वे का काम 17 मई तक पूरा कर कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। इस बीच वाराणसी के ही एक परिवार ने यह दावा कर चौंका दिया कि ज्ञानवापी पर दरअसल उनका मालिकाना हक है और पिछले 150 साल से उनका परिवार इसकी अदालती लड़ाई भी लड़ रहा है। वाराणसी के व्यासपीठ के महंत जितेंद्र नाथ व्यास का सनसनीखेज दावा सुनिए। उनका कहना है कि ज्ञानवापी उनकी पुश्तैनी जमीन पर बनी है, जिसकी अदालती लड़ाई उनका परिवार अंग्रेजों के जमाने से लड़ रहा है। पहले इन सबों से मुकदमा हमारे परिवार का चल चुका है। आगरा में जब हाई कोर्ट था तब से हम लोगों का केस चला है इन सबों से, वो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, भाषा में, फारसी में, उर्दू में अभी भी है। ज्ञानवापी के बंद तहखाने में क्या देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? इस सवाल पर हामी भरते हुए वो बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने सब देख रखा है। दिलचस्प तो ये है कि जितेंद्र नाथ व्यास के दावे पर ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी ने भी मुंह बंद कर रखा है। और दिल्ली में लगातार 5वें दिन बुलडोजर चला, 9 मई से दिल्ली में लगातार बुलडोजर चल रहा है और MCD के बुलडोजर पर अब ब्रेक लगने वाला नहीं है।
दिल्ली में आज एक बार फिर से अतिक्रमण कार्यों पर बुलडोजर गरजा है। आज बुलडोजर दिल्ली के ख्याला, छावला और समयपुर बादली में चला। श्यामनगर के ख्याला में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई हुई। ख्याला में सड़क के दोनों किनारे किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया। नालों के ऊपर ही तमाम सीढ़ियां वगैरह बनाई गई है, बावजूद उसके क्यों हम पर यहां कार्रवाई की जा रही है। नजफगढ़ के छावला में भी जमकर बुलडोजर चला। यहां लोगों ने सड़क किनारे फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर तबेला खोल लिया था और जानवरों को बांध कर अतिक्रमण कर लिया था, लेकिन बुलडोजर दादा ने तबेला ही ध्वस्त कर दिया। जो तमाम बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उस पर बाकायदा इंक्रोचमेंट जो है वो किया हुआ था, जो कि MCD अब ध्वस्त कर रही है। छावला में बुलडोजर एक्शन देख स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने BJP और आम आदमी पार्टी दोनों पर ठगने का आरोप लगाया। ऑपरेशन बुलडोजर से दिल्ली में अतिक्रमणकारियों के होश उड़े हुए हैं। बुलडोजर पहुंचने से पहले ही लोग कब्जा कैसे खुद हटा रहे हैं इसकी तस्वीरें भी पिछले 5 दिनों में देख चुके हैं। अब दिल्ली के डिप्टी CM ने ऑपरेशन बुलडोजर को लेकर एक चौंकाने वाला आरोप लगा दिया। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि MCD के जरिए दिल्ली के 63 लाख घरों पर बुलडोजर चलवाना चाहती है BJP। इसके पीछे वसूली की बड़ी साजिश है। दिल्ली में 60 लाख मकान है कच्ची कॉलोनियों में और झुग्गियों में। भारतीय जनता पार्टी इन सबको तोड़ने का प्लान बना चुकी है। अगर आपको गरीबों की चिंता होती, दिल्ली वालों की चिंता होती, तो आज 35% लोग घर में नल से वंचित नहीं रहते। इस बार पलटवार के बीच आप नेता और MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक ने दिल्ली BJP अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर कल दोपहर बुलडोजर चलाने की धमकी दी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुंडका में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। आग से झुलसकर अब तक 16 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ चुकी है और अभी भी बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में 10 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने जी हिंदुस्तान पर। दिल्ली के मुंडका में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने की खबरें हैं और इस सबके बीच बड़ा हादसा इसलिए क्योंकि अब तक 16 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ा हादसा है। अभी भी दावा यही किया जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर 10 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं और आग की इन तस्वीरों को, गहरे काले धुएं को, आग की लपटों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और भयावह हादसा है आगजनी का। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने लगातार इन तस्वीरों के जरिए दिल्ली के मुंडका में आग की वजह से मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। 16 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं आग में झुलसने की वजह से, दम घुटने की वजह से। और अभी भी दावा यही किया जा रहा है, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, कि दरअसल 10 लोग अंदर फंसे हुए हैं। और देखिए, प्राथमिकता यही है कि जो लोग इस वक्त अंदर फंसे हुए हैं, जिनकी संख्या 10 बताई जा रही है, ये लोग ज्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया जाए। जरूरत अगर और पड़ती है तो दमकल की कई और गाड़ियां भी मौके पर बुलाई जाएंगी। जो स्थानीय लोग हैं वो भी जरूर यहां पर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर, इन काले धुएं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण यहां पर आग रही होगी। क्या इसका कारण रहा, क्या कहीं खामी रही, उसकी भी आगे जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन मौत का आंकड़ा यहां से और भी बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि अब तक 16 लोगों की झुलसने से मौत हो चुकी है, 10 लोग फंसे हुए हैं और उसके बाद कोशिश यही, दमकल की कई सारी गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और यही तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इस सबके भी सवाल ये भी, क्या जिस इमारत में आग लगी वहाँ कितने लोग उस वक्त मौजूद थे, क्या फायर सेफ्टी को लेकर किसी तरह का कोई इंतजाम था या नहीं था, क्या कहीं फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, क्या उसका कहीं उल्लंघन हुआ। आग लगने की वजह हैं क्या है, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या फिर किसी एक की लापरवाही की वजह से इतनी जाने चली गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ये दरअसल कोई इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आगजनी की इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। क्या उससे कोई सबक लिया गया या नहीं, अब ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन फायर डिपार्टमेंट की तमाम जो गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मुस्तैद है और आग पर काबू पाने की कोशिशें वहां पर जारी है। इस बिल्डिंग में आदमी है।
और आप विधायक अमानतुल्ला खान की बात, जिन्हें दिल्ली के साकेत कोर्ट से आज शाम को जमानत मिल गई। कल मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्ला की क्राइम कुंडली खोल दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्ला खान हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। उन पर मारपीट, दंगा, जमीन पर कब्जे जैसे 18 संगीन केस हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैड कैरेक्टर यानी कि बीसी कैटेगरी में रखा है। जामिया थाने के एसएचओ ने 28 मार्च को इसका प्रस्ताव भेजा था। उस प्रस्ताव पर दिल्ली डीसीपी ने 30 मार्च को मुहर लगा दी। और देखिए आगे बढ़ते हुए बात योगी सरकार 2.0 की करते हैं, जिसमें माफिया के खिलाफ एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं आप देखिए बुलडोजर चल रहा है तो कहीं ढोल बाजे के साथ संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। ढोल की थाप और पास ही खड़े पुलिस वाले, आपको लग रहा होगा आखिर माजरा क्या है। बताते हैं, तस्वीर उत्तर प्रदेश के बागपत की है, जहां माफिया पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। और इसी कड़ी में पुलिस बावली गांव पहुंची और शराब माफिया राजीव की 32 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ भी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। तस्वीर एटा की है, जहां के जलेसर में बाबा के बुलडोजर का रौद्र रूप दिखा। जलेसर दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। एटा ही नहीं बुलंदशहर में भी बुलडोजर ने अतिक्रमण से आजादी दिलाई। यहां अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। बुलडोजर बागपत में भी चला, लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर एक बेकसूर का मकान बुलडोजर की जद में आ गया और जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। मेरा मकान नहीं मिला, मैं 3 दिन में अपने आग लगा लूंगी, भूख हड़ताल करके मर जाऊंगी सर। सीएम योगी को शपथ लिए हुए अभी 45 दिन ही हुए हैं और बुलडोजर ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। जिससे पहले लोग डरते थे, वो आज बुलडोजर से डर रहे हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में जिले के सबसे बड़े भूमाफिया यशपाल तोमर के अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर दौड़ा। करीब 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम दादरी के चिठौरा गांव पहुंची तो लोग हक्के बक्के रह गए। भारी पुलिस बल के सामने प्रशासन ने गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर की 135 बीघा जमीन को कुर्क कर दिया। यशपाल तोमर ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिंडन के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी। उधर सहारनपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खनन माफिया हाजी इकबाल के बेटे अलीशान को दिल्ली से गिरफ्तार किया। हाजी इकबाल और उसके गैंग के खिलाफ कई केस दर्ज हैं, जिसमें से एक बेहट थाने में वाहिद एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए 80 बीघा जमीन के फर्जीवाड़े के तहत आवंटन का मामला है। और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई में कदम कदम पर अब रोड़े भी अटक रहे हैं। अब अखिलेश के गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर ने यह कहकर चौंका दिया है कि उन्हें दूसरा आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने पर केस दर्ज होने के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के जहूराबाद में धरने पर बैठ गए और उनके प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें दूसरा आजम खान बनाने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उनकी हत्या कराना चाहती है, आंदोलन करने की बात करते हैं तो उनके ऊपर ही मुकदमा लादने का काम करती है सरकार। इधर धरने पर बैठे ओम प्रकाश राजभर खुद पर लगा केस हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने अपने पर हमले की रिपोर्ट दी थी और केस मुझ पर ही दर्ज कर लिया गया। राजभर का दावा अपनी जगह। पुलिस के मुताबिक दो पक्षों के विवाद में राजभर और उनके कार्यकर्ता दबंगई दिखाने लगे। इसी पर दूसरे पक्ष ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इधर हरियाणा में 9वीं के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कैसे भारत विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। हरियाणा के स्कूलों में इतिहास का सिलेबस और भारी होने जा रहा है। वीर सावरकर समेत हरियाणा के महापुरुषों की गाथा को सिलेबस में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा 9वीं के सिलेबस में भारत विभाजन के लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार रही, इतिहास के सिलेबस में ये भी पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर जब हरियाणा के चौधरी कंवरपाल गुज्जर से बात की गई तो उनका अपना तर्क था। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो उसमें जहाँ देश की आजादी हुई तो वहाँ जो उस टाइम सरकार थी, तो इसका मतलब ये नहीं हमने कांग्रेस दिया कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ थी। उस टाइम देश का वजन है तो इतिहास तो लिखोगे तो उस प्रकार से लिखा जाएगा जैसे जैसी घटनाएं हुई है। जाहिर है आने वाले समय में इस पर राजनीति गरमानी तय है। इधर भारतीय सेना ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या का बदला ले लिया है। राहुल भट्ट की उनके ऑफिस में घुसकर आतंकियों ने हत्या कर दी।
भारतीय सेना ने 24 घंटे में राहुल भट्ट के हथियारों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। बांदीपोरा में हुई मुठभेड़ में सेना ने लश्कर के दो आतंकियों को मार गिराया। राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की आतंकियों ने बड़गाम में एक तहसील दफ्तर के अंदर घुसकर हत्या की थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। कश्मीर में टारगेट किलिंग की एक और वारदात हुई है। आतंकियों ने पुलवामा के गुदुरा इलाके में पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने ये हमला रियाज के घर पर किया था और जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद रियाज अहमद को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अजान बनाम हनुमान विवाद में अब औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। एक दिन पहले औरंगाबाद दौरे पर आए ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने औरंगजेब के मकबरे पर जाकर चादर चढ़ाई। इस पर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के खुल्दाबाद इलाके में मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा है। विवादित बयानों के लिए मशहूर AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी गुरुवार को यहां रैली करने के बाद चादर चढ़ाने आए तो बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेर लिया। शिवाजी और औरंगजेब का इतिहास गिनाकर ओवैसी पर राष्ट्रद्रोह लगाने की चुनौती दे डाली। उन्होंने लिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द उनके ऊपर केस डाल के उनके ऊपर अरेस्ट करना चाहिए। जो भी जैसा भी भोगता है भोग ले। शिवाजी हिंदुत्व की सियासत का सबसे बड़ा मराठी चेहरा हैं। शिवसेना उन्हें अपना सियासी आदर्श बताती है। अकबरुद्दीन ओवैसी के बहाने बीजेपी ने इसी पर चोट की। बिलबिलाए हुए उद्धव चुप्पी साध कर रह गए। और द डी कंपनी पर NIA ने बड़ी कार्रवाई की। मुंबई से NIA ने दाऊद गैंग के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया। आरिफ शेख और शब्बीर शेख की गिरफ्तारी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मामले में हुई। दोनों आरोपी डी कंपनी की अवैध गतिविधियों और टेरर फंडिंग जैसे कामों में शामिल थे। बताया जा रहा है कि आरिफ शेख अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का जीजा है। छोटा शकील की छोटी बहन फहमीदा का निकाह आरिफ शेख से हुआ था। सूत्रों के मुताबिक छोटा शकील के आदेश पर गैंग के लिए आरिफ शेख ऑपरेशन चला रहा था और कथित तौर पर पश्चिमी मुंबई के कुछ इलाकों में काम कर रहा था। आरिफ शेख के साथ गिरफ्तार शब्बीर शेख उसका छोटा भाई है जो आरिफ शेख के साथ गिरोह के संचालन, जबरन वसूली और अन्य गतिविधियों को चलाने में मदद करता था। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के आरोपी आरिफ शेख को 2006 में दुबई से मुंबई प्रत्यर्पित किया गया था। इधर जम्मू कश्मीर के कटरा में तीर्थयात्रियों से भरी बस में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बस नंबर JK141831 कटरा से जम्मू के लिए रवाना हुई थी। जैसे ही ये बस कटरा से 1 किलोमीटर आगे निकली, खरमल के पास अचानक बस में आग लग गई। आग लगने के बाद बस में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। ज्यादातर यात्रियों को निकाल लिया गया लेकिन 4 श्रद्धालुओं की झुलसने से मौत हो गई। हादसे में कुछ लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि बस के इंजन में आग लगने की वजह से ये हादसा हुआ। हादसा कोई साजिश तो नहीं। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच की। बस में यात्रा करने वाले सभी यात्री वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हादसे पर दुख जताया। और चलिए अब फटाफट अंदाज में अखंड भारत की वो खबरें जिस पर आपकी निगाह जानी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मारी। हवा में उछला साइकिल सवार, घायल को लखनऊ किया गया रेफर। सिस्टम में क्या हुआ हादसा। यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्गों को कार ने मारी टक्कर, सड़क क्रॉस करते वक्त हुआ हादसा। गंभीर रूप से जख्मी हुए बुजुर्ग शख्स। गाजियाबाद में दरोगा ने उड़ाई ट्रैफिक नियम की धज्जियां, कटा 14,000 का चालान। बिना हेलमेट के ईयरफोन लगाकर चला रहे थे बाइक। यूपी के कानपुर में बुजुर्ग महिला के साथ बर्बरता, बेटी और बहू ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। ज्वाइंट CP ने दिए कार्रवाई के आदेश। MP के भिंड में गुंडों का आतंक, रंगदारी नहीं देने पर कॉलेज गेट पर छात्र को पीटा। बदमाशों ने लाठी डंडे से छात्र की पिटाई की। मथुरा में हाईवे पर आग का गोला बनी कार, शॉर्ट सर्किट के बाद कार जली। कार सवार ने कूद कर बचाई अपनी जान। रांची में NH 23 पर स्कूल की बस में आग लगी। बच्चों को ड्रॉप कर वापस लौट रही थी बस, डीजल की टंकी टूटने से हादसा हुआ। यूपी कलीगढ़ में एक शख्स की पेट से बांधकर बेरहमी से पिटाई। भैंस चोरी के आरोप में बेल्ट और लात घूंसों से पीटा, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा के दादरी में दबंगों ने दुकानदार को पीटा। CCTV में कैद हुई दबंगों की करतूत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल।
यूपी के हरदोई में दुकान मालिक महिला ने किरायेदार की पिटाई की, दुकान खाली कराने को लेकर चल रहा था विवाद, वायरल वीडियो पर एसपी ने दिए कार्रवाई का निर्देश। उत्तर प्रदेश के बरेली में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा, घर में घुसकर दबंगों ने युवक पर हमला किया, पिटाई का वीडियो सामने आया। यूपी के बाराबंकी में दो पक्षों में जमकर चले लात घूसे और लाठी डंडे, कई लोग जख्मी, सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रायसेन में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई, हवाई हमले के बाद शादी समारोह में हलचल, सभी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू में फंसे कई मजदूर, एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद तीन मजदूरों को सुरक्षित निकाला। उत्तर प्रदेश के बागपत में बालोनी थाने में महिला के साथ बदसुलूकी, एसएचओ विजयराम ने महिला के साथ गाली गलौज की, धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दिया। हरियाणा के अंबाला में पुरानी रंजिश में मारपीट, बदमाशों के झुंड ने युवक को चाकुओं से गोदा, सिर पर ईंट से किया हमला। राजस्थान के सादुल शहर में पंचायत अधिकारी के साथ मारपीट, नरेगा चेकिंग के दौरान जमकर हाथापाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर चहलकदमी करते नजर आया भालू, राहगीरों पर भालू ने हमला किया, राहगीर ने वीडियो बनाकर किया वायरल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिखा खास नजारा, पानी में खेलते दिखा हाथियों का झुंड, 9 हाथियों ने पानी में करीब 3 घंटे तक जमकर मस्ती की। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के मुंडका इलाके से, जहां पर एक इमारत में भीषण आग लगी और अब तक 16 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। एक बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली के मुंडका इलाके में, बताया ही जा रहा है अभी भी बिल्डिंग में 10 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। और देखिए इस वक्त आग बुझाने में दमकल की 25 गाड़ियां जुटी हुई हैं और अगर जरूरत पड़ी तो और भी गाड़ियों को बुलाया जाएगा, क्योंकि प्राथमिकता यही है कि यहां से लोगों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वही जगह, ये वही बिल्डिंग जो इस वक्त धू धू कर जल रही है, जहां पर आग लगी है। 25 गाड़ियां, आप सोचिए कि यहां पर दमकल की मौजूद है, 16 लोगों की मौत हो चुकी है, मौत का आंकड़ा यहां पर बढ़ सकता है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि 10 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं, हो सकता है कि ये भी संख्या ज्यादा हो, क्योंकि ये इस वक्त पता लगाया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ, जब ये आग लगी, तब यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे। सीधा रुक करें इस वक्त नीरज गौड़, हमारे सहयोगी हमारे साथ, नीरज इस वक्त वहां पर क्या स्थिति, क्या कुछ और सामने आ पाया है, कितने लोगों की मौत, कितने लोग वहां पर दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं? बिल्कुल लवीना, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ में एडिशनल सीपी है चिन्मय बिस्वाल। सर अभी शुरुआती जांच में लाइव है सर, कितने, क्या आपको जानकारी मिली थी, कितने लोगों की डेथ की? यहाँ पर जो एक बिल्डिंग में जो आग लगी थी उसमें काफ़ी लोग प्राप्त थे, उनमें से हमें जो प्रारंभिक सूचना जो हम तय कर पा रहे हैं उसमें 50 से 60 लोग रेस्क्यू होकर के निकल गए हैं, और पहले एक डेड बॉडी रिकवर हुई थी, अभी उसके साथ 13 रिकवर हुए हैं, 4 बॉडी है, उनको हमने संजय गांधी हॉस्पिटल पे नेसेसरी प्रोसीडिंग्स के लिए भेजा है। ऊपर में थोड़ी सी धुआं है, अभी फायर ब्रिगेड के जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और आगे की जो अपडेट जैसे आएगा वैसे साझा करेंगे। कितने लोग हैं सर जिनको अभी तक आपने निकाला है, जो कि अंदर, जो कि जली हुई हालत में मिले? जैसे मैंने बताया कि हमें जो सूचना मिल रही है कि आग लगते ही लोगों ने जैसे ट्रेन लगा करके यहाँ से रेस्क्यू होकर के निकल गए थे, उनकी संख्या कुछ 50 से 60 होगी, उसको अभी कन्फर्म कर रहे हैं जो यहाँ पे जो मालिक थे उनसे एम्प्लॉयज़ का लिस्ट लेकर के हम लोग तय कर रहे हैं, उसी के लिए उसी प्रक्रिया में। डेथ हुई है उनकी संख्या कितनी है? अभी हमें जितनी रिकवर हुए हैं 14 बॉडीज रिकवर हुए हैं, और आगे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो लास्ट लेग वो अभी जारी है। तो देख सकते हैं एडिशनल सीपी है चिन्मय बिस्वाल, इनका कहना है कि अभी तक की जानकारी में जो निकल कर सामने आया है कि 14 जो डेड बॉडी हैं उनको अंदर से निकाला जा सका है, और इसी के साथ में अभी भी जो आग है उसको जो कंट्रोल है वो लगातार करने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए, आप नजरें बनाए रखी हैं, अपडेट के लिए आपसे आगे फिर बात होगी। फिलहाल अखंड भारत में मिलेंगे आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भेड़ाघाट का आंगन रात में नौकायन, और केमिकल या तेजाब FIR वाला खिजा, 7 दिन बाद हरियाणा में रात्रि काल, पहले अरबाज अब सोहेल, तलाक तलाक खेल, दुल्हन बनी दूल्हा, बैंड बाजा सेहरा और बारात। बाद आपका स्वागत है इस हिंदुस्तान पर, जारी है अखंड भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर जो मिल रही है उसका पहले रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुंडका में एक बिल्डिंग में भीषण
भीषण आग लगी है और इस आग में झुलसकर अब तक 16 लोगों की मौत की खबर सामने है और बताया ये भी जा रहा है कि बिल्डिंग में अभी भी 10 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लगातार जी हिंदुस्तान पर। आग बुझाने में, आग पर काबू पाने के लिए लगातार फायर फाइटर्स की टीम वहां पर मौजूद है। करीब 25 दमकल की गाड़ियां वहां पर आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। करीब जो दावा किया जा रहा है, एक बड़े पुलिस ऑफिशियल से जब बात हुई है, करीब 50 से ज़्यादा लोगों का वहां पर रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन फिर भी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, 20 लोगों की मौत की खबरें निकल कर अब सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, 20 डेड बॉडीज अब तक रिकवर की जा चुकी हैं। बड़ी खबर आपके सामने और आग की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने लगातार, क्योंकि एक बड़ी और भयावह आग यहां पर लगी है। दिल्ली के मुंडका इलाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक इस आगजनी में, अब तक इस हादसे में 20 लोगों की मौत की खबरें। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, दिल्ली की एक कमर्शियल बिल्डिंग में जो कि दिल्ली के मुंडका इलाके में मौजूद है, वहां पर 20 लोगों की मौत हो गई है आग लगने की वजह से। तमाम जो यहां पर फायर डिपार्टमेंट है लगातार मुस्तैद था और अपना काम कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने आग पर कंट्रोल किया है। लेकिन वही सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम थे, जो मापदंड होने चाहिए, क्या ये बिल्डिंग उस पर खरी उतर रही थी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि हमने पुलिस अधिकारियों से किए हैं। उनका कहना है कि ये सब बाद में जांच का विषय है, लेकिन अभी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो कूलिंग ऑपरेशन है उसको किया जा सके और उसके साथ में यहाँ अगर कोई अंदर फंसा हुआ है या उसी के साथ में जो डेड बॉडीज़ हैं उनको बाहर निकाला जा सके। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, जिनके भी जानने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने लोगों का। बिल्कुल, देखिए कोशिश इस वक्त यही की जा रही है नीरज कि जो लोग यहाँ पर अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा देखिए बढ़ा। इससे पहले जो खबर मिल रही थी वो ये थी कि 16 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ चुका है, 20 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या पता कहीं जो कि दो डेड बॉडीज हैं उनको किसी और अस्पताल में ले गए हों। तो ये जो आंकड़ा है जो कि दिल्ली पुलिस का है, फायर डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसी के साथ मैं आपको बताऊं कि 8 से 10 लोग हैं जो कि इसमें घायल हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिल्डिंग से नीचे कूदे अपनी जान बचाने के लिए, और बहुत से लोग हैं जिनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे जो कि यहाँ पर थे उस वक्त जो जब ये आग लगी। काफ़ी सारे जो कि चश्मदीद थे जिन्होंने यहाँ पर लोगों की जान बचाने में अपनी यहाँ पर मदद की। जी, क्या नाम है आपका? विकास अग्रवाल। देखिए चश्मदीदों को भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन लगातार हमारे संवाददाता, जी मीडिया संवाददाता मौके पर मौजूद हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3 मंजिला जो कमर्शियल बिल्डिंग थी उसमें बताया ही जा रहा है कि आग दरअसल निचले हिस्से से शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे इसने पूरी इस 3 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जो कि मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही बताई जा रही है। ये जो लगातार तस्वीरें आपके सामने, दरअसल दिल्ली में जो मुंडका इलाका है वहीं की ये तस्वीरें हैं। शाम के वक्त में ये आग वहां पर लगी और धीरे देखते ही देखते ये आग पूरी तरह से फैल गई और इसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। एक 3 मंजिला कॉमर्शियल ये कॉम्प्लेक्स के तौर पर ये इमारत थी जिसमें उस वक्त बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। जैसे ही आगजनी की खबर वहां पर मिली, सबसे पहले इलाके के लोग एक्टिव हुए, फौरन पुलिस को भी किसी ने सूचना दी थी फ़ोन करके PCR को, इसके बाद वहां पर एक्टिव हुए। 25 से लेकर 27 फायर फाइटर्स की जो टीम है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो वहां पर मौजूद हैं, जिनकी कोशिश यही कि पूरी तरह से आग पर काबू पाया जाए। क्रेन वहां पर बुलवाई गई, JCB वहां पर बुलवाए गए और जैसे तैसे खिड़की से लेकर दरवाजों को तोड़कर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। मेरा नाम। आपने कैसे यहाँ पर मदद की और क्या देखा? मदद नहीं, मैं अभी आया हूँ, 1 घंटे पहले आया हूँ, लेकिन सुनने में ये आया कि हल्का 100 आदमी ज्यादा जल चुके हैं। तो बहुत आदमी थे। यह आग जीने से निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है, एक ही था, और जीने से ही आग शुरू हुई, इसी वजह से निकल नहीं पाए बाहर। और आग लगी लमसम 3:30 और 4 के बीच थी, बीच लगी थी, और 50-60 आदमियों को क्रेन से निकाल लिया गया था। क्रेन और JCP मौके पे यहाँ से गुजर रही थी तो उनसे उतार के हुई थी, और उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, सारे अब चल रहा है प्रक्रिया अभी कार्य। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों का कहना है कि जैसे ही आग लगी तो यहाँ से लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से बहुत से लोगों की जान बच गई, लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी और फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी सर्च ऑपरेशन
बिल्कुल कोशिश यही है कि जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं अब उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। और अब फटाफट अंदाज में अखंड भारत की वो खबरें जिस पर गौर करना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। ज्ञानवापी पर कल सुबह 8 बजे से होगा सर्वेक्षण। मस्जिद के तहखाने के सर्वे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। वाराणसी में यूपी के सीएम योगी ने की काशी विश्वनाथ की पूजा। मंदिर के पुजारियों ने सीएम योगी से करवाया रुद्राभिषेक। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सीएम योगी का हुआ अद्भुत स्वागत। छोटे बच्चे ने डमरू बजाकर किया सीएम योगी का वेलकम। एमपी स्टार्टअप नीति 2022 को पीएम मोदी ने वर्चुअली लॉन्च किया। पीएम मोदी ने किया स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद। इंदौर में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज। दिल्ली में हनुमान चालीसा के लिए तैयार अमरावती निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी की प्रतिमा के साथ ट्वीट की तस्वीर। ओम प्रकाश राजभर की यूपी सरकार को धमकी। कहा सुलग रहा है गाजीपुर जलेगा लखनऊ। गाजीपुर के एएसपी और एडीएम पर लगाया धोखा देने का आरोप। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। धर्मशाला हवाई अड्डे से किया रोड शो। राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा देश में अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना। राहुल भट्ट की हत्या का सुरक्षा बलों ने लिया बदला। बांदीपोरा में सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए। बड़गाम में राहुल भट्ट की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन। पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी। बेटी की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी सरकार। मौली ब्लास्ट मामले में पंजाब के डीजीपी का बयान। का धमाके के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। मेरठ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बयान। कहा कुतुब मीनार हमारी जमीन पर मुस्लिम शासक ने बदला नाम। सबके सामने आना चाहिए सच। यूपी के बंदरसों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। राष्ट्रगान हर जगह होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी फैसला लागू करने पर कर रहे हैं विचार। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को कोर्ट से राहत। प्राइवेट अस्पताल में मिली इलाज की इजाजत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद। यूपी के अमरोहा में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लगाई जन चौपाल। मखदुमपुर गांव के लोगों से क्या संवाद। अधिकारियों को दिए समस्या के निस्तारण के निर्देश। रामपुर पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। दोनों नेताओं ने रास्ते में गोलगप्पे खाए। देहरादून में आईआरबी 2 को मिला नया प्रशासनिक भवन। आईआरबी भवन का सीएम धामी ने लोकार्पण किया। आईआरबी में सीएम धामी ने हथियारों का भी निरीक्षण किया। भोपाल में कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज का दिखा जुदा अंदाज। आदिवासी कलाकारों के साथ जमकर किया डांस। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। नगर निगम की टीम पर किया हमला। दुकानदारों ने टैक्स सुपरिटेंडेंट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। चमोली में तूफान के बाद मूसलाधार बरसात ने तबाही मचाई। कई जगहों पर पेड़ गिरे। तूफान के बाद कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई भी ठप। और देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा की खूबसूरती देखने वाले जो पर्यटक हैं उसके लिए स्थानीय प्रशासन ने एक बड़ा तोहफा दे दिया है। सैलानी अब संगमरमर की वादियों में नर्मदा के पंचवटी तट से बंदर कूदने के बीच चांदनी रात में पर्यटक का नौका विहार का लुत्फ भी उठा सकेंगे। यहाँ 2003 में अंतिम बार रात्रिकालीन नौका विहार का आयोजन किया गया था। 19 साल के बाद फिर से भेड़ाघाट में रात्रिकालीन नौका विहार शुरू हो रहा है। 13 मई से 17 मई तक शाम 7 से रात 10 बजे तक रंग बिरंगी मनोरम रोशनी और सुमधुर संगीत के साथ नौका विहार होगा। इसके लिए भेड़ाघाट नगर परिषद जिला प्रशासन पुलिस महकमा और होमगार्ड के जवानों ने विशेष तैयारी की है। इसके लिए पंचवटी घाट से बंदर कूदनी तक पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि नौका विहार के समय पर्यटक और नाविक किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। बिना लाइफ जैकेट के किसी भी पर्यटक को नौका विहार की अनुमति नहीं होगी। नाव में 2 गोताखोरों समेत सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। इधर बढ़ते तापमान की वजह से लोग हलकान हैं। गर्मी और लू ने जीना दूभर कर दिया है और अगर ऐसे में बिजली की समस्या होने लगे तो फिर सोचिए हालात क्या होंगे। हरियाणा में बिजली के महासंकट आने वाला है क्योंकि पानीपत थर्मल प्लांट के तीनों यूनिट में अगर कोयला नहीं मिला तो 7 दिन बाद बिजली उत्पादन बंद हो सकता है। पानीपत किस यूनिट से रोहतक जींद सफीदो निसिंग और बस्ताड़ा पावर हाउस में सप्लाई है। ऐसे में अगर यूनिट बंद हुई तो प्रदेश भर में बिजली संकट और ज्यादा गहरा सकता है।
उधर हिसार में बिजली कट से गुस्साए ग्रामीणों ने 3 गांवों की बिजली सप्लाई रोककर 2 बिजली कर्मियों से मारपीट की। वहीं दिल्ली से सटे चरखी दादरी के गांव मंदौला में बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर पर ताला जड़ दिया। मध्य प्रदेश में इस बार तेंदुपत्ता जमा करने वालों से रंगदारी और हफ्ता वसूलने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं होगी और इसके लिए सतना पुलिस और वन दस्ते ने सर्च अभियान शुरू किया है। तो वहीं एमपी और यूपी पुलिस ने मिलकर अभियान छेड़ने का खाका भी तैयार कर लिया है। तेंदुपत्ता का सीजन शुरू होते ही इस इलाके में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोगों से रंगदारी वसूलने वाले बदमाश सक्रिय हो जाते हैं और इतना ही नहीं बदमाश रंगदारी वसूलने के साथ साथ मजदूरों से मारपीट भी करते हैं, अपहरण की धमकी देकर मोटी रकम वसूलते हैं। लिहाजा इस साल सतना जिले की पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। यूपी और एमपी की पुलिस ने संयुक्त सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है। तेंदुपत्ता सीजन में लगातार हम जंगल में पुलिस की प्रेजेंस रखेंगे, कॉम्बिंग सर्चिंग अभियान चलाएंगे जिससे कि इस प्रकार के एलिमेंट्स जंगल में आके किसी प्रकार के व्यवधान तेंदुपत्ता संग्रहण ना कर सके। इतना ही नहीं करबी के कुछ संदिग्ध बदमाशों पर दबिश देने के लिए पोखरवार में पुलिस अधीक्षक ने कैंप किया, ग्रामीणों से संवाद किया और संदिग्धों की जानकारी पुलिस को देने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हाथियों के एक झुंड की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। उत्पात मचाने वाला हाथी जल क्रीड़ा कर रहा है। भीषण गर्मी से परेशान इन हाथियों को देखिए, एक दलदल नाले में कैसे मस्ती कर रहा है। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे पर सूंड से पानी फेंक रहे हैं, जिसे देखने के लिए वहाँ बिंछड़ा गाँव के लोगों की भीड़ जमा हो गयी। लोग इस तस्वीर को मोबाइल में कैद करने लगे। बता दें कि ये हाथियों का झुंड पास के जंगल में ही डेरा डाले हुए है और खेतों में लगी सब्जियों और फसलों को रौंदते रहते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में बाल विवाह का मामला सामने आया है, लेकिन जब राजस्थान पुलिस इस सामाजिक बुराई को रोकने पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ही अटैक कर दिया। बांसवाड़ा में बाल विवाह रुकवाने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया। बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस पर पत्थर बरसाए जिससे 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पथराव में पुलिस जीप के कांच भी टूट गए। हालत ये थी कि पुलिस टीम को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। दरअसल बांसवाड़ा के भूंगड़ा थाना इलाके में पुलिस टीम नाबालिग लड़के का विवाह रुकवाने गई थी। मौके पर पुलिस को दुल्हन बालिग और दूल्हा नाबालिग मिला। पुलिस ने लड़के के घर वालों को बाल विवाह रोकने की नसीहत दी, दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों को पुलिस की समझाइश पसंद नहीं आई और गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की 6 लोगों की गश्ती टीम पर 20 से ज्यादा आरोपी भारी पड़ने लगे तो मजबूरन पुलिस को पीछा छुड़ाना पड़ा। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। और अखंड भारत में आज का इतिहास। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आज का दिन मील का पत्थर है। स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र 13 मई 1952 को बुलाया गया था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन किया गया और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। इसी तरह 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया जिसका पहला सत्र 13 मई 1952 को बुलाया गया। और 2001 में आज ही के दिन भारतीय साहित्य जगत के सबसे बड़े नामों में से एक आर के नारायण का निधन हुआ था। आर के नारायण को भारत में अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में गिना जाता है। उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी नाम कमाया। उनकी किताबें ब्रिटेन और अमेरिका में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आर के नारायण के पिता एक तमिल अध्यापक थे। भारत ने 1998 में आज ही के दिन अपना पोखरण परमाणु परीक्षण कार्यक्रम पूरा किया था। इसके बाद भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया था। 13 मई 1998 को दोपहर बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया, देश ने परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिए हैं और भारत परमाणु संपन्न देशों में आ गया है। भारत के इस कदम के बाद अमेरिका, जापान, कनाडा ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। अखंड भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर से तय वक्त यानी कि रात 9:54 पर आपसे होगी मुलाकात। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।